ब्रेक के बाद पढ़ते हैं आगे। अनलॉक वन में कई सेक्टर्स को छूट मिलने के बाद जमशेदपुर में सैलून वालों ने सैलून खोलने की गुहार लगाई है। डीसी कार्यालय में बड़ी संख्या में जुटे सैलून कर्मियों और सैलून मालिकों ने अपने रोजगार को लेकर छूट देने की मांग की। कई महिलाओं ने अपने दर्द को साझा किया। कई सेक्टरों को छूट नहीं है, सभी सेक्टरों के लोग आज डीसी ऑफिस में जमा हुए हैं। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जो सैलून चलाती हैं, जो सैलून में काम करती हैं, जो सैलून उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि खोला जाए, उनको खोलने की छूट दी जाए, क्योंकि सबकी ज़िंदगी जो है इससे जुड़ी हुई है, रोज़गार जो है उन पर असर पड़ा है। कई कहानियाँ हैं जिनको सुनाएंगे तो आपको लगेगा ज़िंदगी में कितनी दिक्कत है। ये आप पार्लर चलाती हैं, क्या कुछ दिक्कत आई लॉकडाउन के पहले आपने कहीं पर एक खरीदी थी जगह? हाँ जी, जैसे लॉकडाउन होने के जस्ट पहले मार्च में ही मैंने एक जगह खरीदी थी और 15 मार्च से मैंने ओपन किया था उसको, और 21 तारीख को ये बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। और उसके बाद से जहाँ पे मैंने जस्ट अभी लिया था वो रेंट के लिए मुझे बोलने लगे, बट रेंट मैं कहाँ से दूंगी। आप भी कुछ जुड़ी हुई हैं सैलून से ही, आप बताइए अपनी दिक्कत क्या है। जी, मेरा दिक्कत ये है कि बैठे बैठे शॉप का रेंट देना, मजाक नहीं है, मेरे शॉप का रेंट भी 25,000 रुपया है और उस हिसाब से 3 महीने का जोड़ो 75,000 रुपीज़, बाकी मेरे 6 स्टाफ हैं उनकी सैलरी, उनका अपना प्रॉब्लम है, उनकी घर उनकी फैमिली भी हमारे सैलून के बिजनेस से ही चलती है। ही सैलून और अन्य सेक्टरों से जुड़े लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लगातार डीसी ऑफिस आ रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि वो बिल्कुल वादा करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तमाम जो एहतियात बरतने हैं वो बरतेंगे, लेकिन उनको थोड़ी छूट दी जाए काम करने की ताकि उनका घर संसार चले। कैमरा पर्सन अनवर के साथ हन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर।